हेलो, तो लेकर आ चुका हूँ एक और काम का वीडियो सिर्फ आपके लिए। अक्सर ऐसा होता है कि आपके फैमिली या फिर आपका कोई क्लोज रिलेटिव या फिर कोई फीमेल जब आपके घर से बाहर निकलते हैं तब आपको उनके बारे में हमेशा फिक्र होती है कि कहाँ गए होंगे, उनको कुछ हो तो नहीं गया, ऐसे तरह तरह के ख्याल आते हैं। और आना भी चाहिए क्योंकि न्यूज़ में ऐसे ढेर सारे हादसों के खबर आते हैं जो हमारे चिंता का कारण बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके फैमिली मेम्बर अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, लेकिन एज ए केयरिंग फैमिली मेम्बर आपको उनके ऊपर आने वाले खतरों के बारे में सोचना चाहिए। और इसलिए गाइस, आज मैं गूगल मैप्स का एक ऐसा फीचर बताने वाला हूँ जिससे आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। आप जान सकते हो कि वो कहाँ पर है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप बिना अपने फैमिली मेम्बर के परमिशन के उनको ट्रैक मत करना। इस फीचर को करने के लिए सबसे पहले आपको आपके फैमिली मेम्बर का फ़ोन में गूगल मैप्स ओपन करना है। फिर आपको टॉप राइट कॉर्नर में जो अकाउंट का पिक्चर दिख रहा है उसमें क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे जो शेयर लोकेशन है उसमें क्लिक कीजिए। और अब इस पेज में आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि आप कितने टाइम के लिए अपना लोकेशन ट्रैक करना चाहते हैं। यहाँ पर आप 15 मिनट से लेके एक दिन तक ट्रैक कर सकते हो अगर आप लिमिटेड टाइम तक ट्रैक करना चाहते हो तो, या फिर आप तब तक इस ट्रैकिंग को इनेबल कर सकते हो जब तक आप इसको ऑफ ना कर दो। तो इसको करने के लिए आपको नीचे WhatsApp का जो आइकन दिख रहा है सिंपली उसमें क्लिक करना है। WhatsApp में जाना है और आप आपके नंबर पर इसको शेयर कर दो। अब आपको अपने फ़ोन में जाना है और WhatsApp में जाना है और उस लिंक को ओपन करना है जो आपने अभी अभी शेयर किया होगा। अब आपके पास आपके फैमिली मेम्बर का लाइव लोकेशन है और इस तरह दोस्तों आप अपने फैमिली मेम्बर को ट्रैक कर सकते हैं। इस लिंक को क्लिक कीजिए और आपको अपने फैमिली मेम्बर का लाइव लोकेशन मिल जाएगा जब भी आप उनको देखना चाहे कि वो कहाँ पर है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक करो, नए हो तो मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करो और एम करते हैं 20 सब्सक्राइबर्स का। मैं मिलता हूँ आपको किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।